हेलो एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूँ शीन दास और मैं घूम रही हूँ भाई, साथ में आपको भी घुमा रही हूँ। मुंबई वापस आ गई हूँ मैं, आप लोग के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सबको रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, थोड़ी तबीयत ख़राब है। बट मुझे लगा कि भाई व्लॉग पोस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे आप लोगों के टच में तो रहना ही है। मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप मुंबई पहुँचेंगे तो अपनी वार्डरोब स्टोरी कीजिएगा। मैं बिल्कुल वो भी करूँगी, लेकिन मेरा लास्ट व्लॉग के बारे में आपको बता दूँ, लिंक मैं नीचे दे दूँगी। ये मुंबई से सिर्फ 4 या 5 घंटे की दूरी पर है, बहुत ही खूबसूरत लग्जूरियस प्रॉपर्टी है ये, जंगलों के बीच में, महाराष्ट्र के जंगलों के बीच में। बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्योंकि इधर ना हर रूम जो है वो अलग थीम का है। हम 2 थीम रूम्स में रुके थे। पहली रात हम रुके थे ग्लास हाउस, जो मैं आपको पिछले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप 7 से 8 लोग हैं तो ग्रुप बनाकर जा सकते हैं। वेलकम टू द कार्नेशन हाउस। अगले दिन हम रुके थे कार्नेशन रूम में, जिसमें अलग सेपरेट पूल भी है, बहुत ही खूबसूरत रूम है। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, और इसके अलावा वहाँ पे क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है प्राइवेट स्विमिंग पूल, और आपको दिखा देती हूँ विंडो से व्यू। यहाँ पे किसी भी विंडो से आप व्यू देख लीजिए, आपको फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट नज़र आएंगे। ऑब्वियसली फॉरेस्ट हिल है तो वो राइस, बॉइल्ड राइस। चलो शुरू करते हैं खाना पीना। अब हम जा रहे हैं पेट जू, एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। टिंग 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 टिंग। वेट, आई फॉरगॉट माय बैग। पहुंच गए हम लोग पेटिंग जू। ये है क्या? ये द पेटिंग जू। पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ पेट करने के लिए। मुझे कुछ बर्ड्स तो ऑलरेडी दिख रही हैं यहाँ से, मुझे कहाँ पे बहुत ही पिटी है। चल लेट्स गो पेटिंग जू। ये एरिया पूरा ही बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा एरिया है। इनफैक्ट ये पूरा ही बहुत ही सुंदर है क्योंकि जंगल से सराउंडेड है, और यहाँ पे पेटिंग जू में कौन कौन से एनिमल्स हैं। मुझे बड़े बड़े वो देसी मुर्गे दिख रहे हैं। और दादा बताएंगे अभी यहाँ पे। देखिए, हाय दादा, कैसे हैं आप? आप हमें आज कौन कौन से एनिमल्स से मिलवाने वाले हैं? हाँ, यहाँ पे टर्की है, इमो है, बकरी है, डोंकी है। उई। हाँ वही है, टर्की, बकरी, ऊपर रैबिट है, हैमस्टर है, रैबिट है, हैमस्टर भी है, जा सकते हैं, और डॉग्स भी है। हाँ डॉग्स भी है, और इनको फीड भी कर सकते हैं, लैब डॉग है। हेलो, आपको डर नहीं लग रहा है? बर्ड जी तो है, मजा आ रहा है मुझे तो। इसी पे बैठ गया वाला, उतरो पहले तो। दादा बर्ड्स बता दीजिए कौन सी हैं। ये ब्लैक और सफेद टर्की है। अच्छा, और आपका पीछे वो, इसको तीतर बोलते हैं, ग्रे कलर का। कौन सा वाला? वो छोटे ग्रे कलर का डॉट डॉट वाला, इसको क्या बोलते हैं? तीतर बोलते हैं इसको। तीतर, 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 तीतर के दो आगे तीतर। हाँ वही तीतर है। अच्छा, ये ब्लैक वाला, ये टर्की है। मतलब इसे काटते दर्द नहीं होता? वाइट वाला भैया वही टर्की है, दोनों मेल है और ये फीमेल है। ये ब्लैक वाले भी फीमेल है। करो ना, ये इमो बर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की बर्ड्स हैं, यहाँ 8-10 साल से रह रही हैं, और 40-41 इनकी एज है। ये वाले बंद क्यों हैं? छोटे बच्चे बंद करके रखे। अच्छा, और ये पेरेंट्स हैं इनके? बाहर भाग गए दादा, कैसे पकड़ोगे? अयो कितने प्यारे हैं छोटू यार। एक हफ्ते के हैं। गुगलू, गुगलू पाल के रखूंगी। चलो और क्या? चीकाज। हेलो चिक्स, और कौन है यहाँ? ये रैबिट्स हैं।
ये हैमस्टर। किसका अंडा? किसका अंडा देखा था ना? खाने? किसका अंडा है? इमो अंडा। तो ये आपके पास क्या कर रहा है? दिखाने के लिए रखा है, सो के लिए। अच्छा बापरे, ये सच का है? हाँ, सच का। मतलब इसमें से बेबी नहीं आएगा ना? नहीं होगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक साल होने वाला है। चार महीने के बाद ये अंडा नहीं फूटता तो बच्चा नहीं होता? नहीं। अच्छा, तो ये एक साल का अंडा है? एक साल का अंडा है, फरवरी महीने पे। बापरे, बड़ी बर्ड्स है भैया, अंडा भी इसलिए इतना बड़ा है। चलो थैंक यू दादा, मजा आया। हैमस्टर को तो डर लग रहा था ना कि मैं तेरे पे छोड़ दूंगी। नहीं, नहीं जाएगा। और पकड़ लिया तो पकड़ो, किस करके दिखाओ। किस क्या है, किस नहीं करूंगी। क्लोज ही रख लो। हाँ, क्लोज रख लो। कोई भी नहीं आ रहा मेरे पास। वो डरते हैं ये तो। देख भाग रहे हैं। एक बार रखना आ जाए तो आ जाएंगे। आ जाओ बुबलू। सॉरी, मैं ये शर्त हार गई। हार गई, नॉट बिकॉज मुझे डर लग, बिकॉज वो खुद ही आना नहीं चाह रहे। आएंगे। कैसा लगा तुझे? मुझे बहुत मजा आया। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं ईटीवी करने के लिए। मजा आएगा। चल, बाय गाइस। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू टेक एन आरटीवी ईटीवी राइड। ईटीवी, हां ईटीवी राइड। मैंने कभी चलाई नहीं, मैं स्कूटी चलाई है। इंटरेस्टिंग होगा यार, तो देखते हैं हम कर पाएंगे कि नहीं। चलो, एंड वील हैव टू चेंज ऑल्सो इस ड्रेस में तो नहीं। सो या दादा, हमें एटीवी राइड करनी है, कहाँ से शुरू करें? यहाँ से करेगा, अभी वो चालू है ना उसका? एक चालू है। हाँ, तो वो खत्म होगा उसके बाद। हाँ। ये एटीवी की बाइक्स है यहाँ पे। पहली बार चला रही हूँ मैं, चला लेंगे, चला पाऊंगी मैं? हाँ, चलो पाओ। देखते हैं, अभी मेरा नंबर दूसरा है, अभी कोई चला रहा है ऑलरेडी। चलिए पहले हम सीख लेते हैं कि कैसे चलानी है। हाँ, कर उसके बाद। हाय दादा, कैसे चलानी है अपन को ये? बेटू मैं बताता हूँ, यहाँ पे पैर के यहाँ पे ब्रेक है, ये वाला। हाँ। ये वाला और लेफ्ट राइट वाला, पीछे वाला दो ब्रेक है। हाँ। ये राइट वाला आगे वाला, आगे वाले का ब्रेक है। और ये न्यूट्रल में आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ऑटो स्टार्ट है, यहाँ से आपको फर्स्ट पे चलाना है। रिवर्स चाहिए होगा तो यहाँ पे लेना है, और ये वाला एक्सीलेटर है, इसको ऐसे पुश करके रखना है, फिर आगे आगे जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे। बाय बाय। आप पीछे बैठ जाओ ना। बहुत कोशिश की मैंने, मुझसे ये एटीवी नहीं चली, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं लेफ़्ट में जा रही थी बार बार, और बार बार ये एटीवी बंद हो रही थी, फिर इसको रीस्टार्ट करना पड़ रहा था। तो फाइनली क्या मैंने एटीवी का लुत्फ़ उठाया? जी बिल्कुल, ऐसे भैया के पीछे बैठ के। तो क्या हुआ अगर मैं एटीवी नहीं चला पाई? तो जया को भी आ गई थी एटीवी चलानी, तो हम लोग जो है राउंड काट रहे थे, जया चला रही थी, मैं पीछे बैठ के मज़े कर रही थी, और हम वो वाला गाना गा रहे थे, ये दोस्ती। जस्ट गिविंग इट अ लास्ट ट्राई, लेट्स सी मैं चला पाती हूँ कि नहीं। डर लग रहा है, मैं हमेशा लेफ्ट में जाके ठोक रही हूँ। जया ने बहुत अच्छी चलाई यार, जया कमाल है यार, पिक्चर्स खिंचवाते खत्म कर भाई। एटीवी तो हो गई, अब हम जा रहे हैं राइफल शूटिंग के लिए। एयर गन है असली वाली। तूने इससे पहले कभी शूटिंग की है? नहीं, मैंने शूटिंग की है लेकिन ये वाली नहीं की है।
कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम जहाँ जा रहे हैं, चलो इसमें देखते हैं कौन महारत हासिल करता है। हाँ जया, बिल्कुल क्या लगता है तुझे इसमें? मुझे लगा था कि मैं एटीवी बड़े आराम से चला पाऊंगी, बट उल्टा मैं चला पाई। हाँ एकदम। ओ वाओ भाई, खाली है एयर फ्रेशनर्स? हाँ खाली, मुझे लगा जो जीत गया उसको मिलेगा एयर फ्रेशनर। हाँ तो तुम जिस पे तीर मारोगी ना, राइफल मारोगी, खाली हाँ उसमें छेद हो जाएगा बॉटल में, और फिर वो एयर फ्रेशनर तुम घर लेकर जाना। ये रहा एयर फ्रेशनर्स, और इसको शूट करना है। ये देखिए दादा रेडी है। यहाँ पे आपको ऐसे ग्रिप पकड़ना है। हाँ। यहाँ पे रिलोड, ये इधर फिंगर पे रखना है। यहाँ पे हाफ शोल्डर पे रखना है ऐसे। फिर वहां से ऐसे थोड़ा सा राइट साइड से देख के ये वी शेप, वी शेप में ये वाला पॉइंट आना चाहिए, और पॉइंट टू बॉटल, और फिर इस फिंगर को दबाना है। कौन सा? ये वाला। ओके, फिर वो बॉटल को कैन शूट हो जाएगा। ठीक है। नहीं लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया अभी। ये वी शेप है ना, वी शेप में पॉइंट चाहिए, और पॉइंट टू बॉटल सिर्फ शूट करते हो, इस बटन को पुश करते हो, खिलना नहीं चाहिए ज्यादा। मैं समझी, यहाँ से एमिंग करना, राइट से यहाँ पे देखना, यहाँ से इसको, यहाँ से बुलजाए को, स्पीड से और खींचना, यहाँ तक खींचना, खींचो और खींचना, और ओके एम करके छोड़ना है। छोड़ते वक्त लेफ्ट हैंड नीचे जा रहा है, आप यहाँ छोड़ रहे हो ना, तब ये नीचे जा रहा है, फिर वो एमिंग नीचे हो रहा है, आपको लेफ्ट हैंड ऐसे पकड़ के रखना पूरा टेबल। बस अभी आप मुझे बुलजाई करवाओगे तब तक मेरे को करना है। बुलजाई के लिए मेरे को सपोर्ट देना पड़ेगा, आपका लेफ्ट हैंड नीचे जा रहा है। चलो नेक्स्ट टाइम भी बुलजाई, ठीक है? खींचो खींचो और खींचो और पूरा खींचो, ओके छोड़ो। सनसेट पॉइंट, हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वेदर सपोर्टिव नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी आंधियां आने वाली है टाइप्स, और सनसेट इसलिए हम लोगों को बादलों की वजह से हमें दिखाई नहीं देगा, बट वी स्टिल ट्राई, और हम देखते हैं कि सनसेट पॉइंट में क्या है। सनसेट ही देखने लायक होता है, सनसेट पॉइंट का मतलब। पेटिंग, कैंपिंग, ग्लास हाउस नहीं है, तो हम पहुंच गए हैं सनसेट पॉइंट, और अब हम लोग यहाँ पे अपनी साड़ी में फोटो खिंचवाने। आपने बाय द वे देखा है हम लोगों को ट्विनिंग करते हुए? ट्विनिंग इन द सेंस ये कपड़े का पैटर्न सेम है। बाप रे बाप, इतना ट्रैफिक देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम वापस मुंबई की ओर चल चुके हैं, और मुंबई बस थोड़ी देर में आने वाला है, एक घंटा दूर है हम लोग घर से। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि दैट वाज ऑल फॉर द व्लॉग। कल रात हम लोगों ने कंडीशन रूम में बहुत मस्ती की, पूल में बहुत ज़्यादा मस्ती की, और हम वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम सोच रहे थे भैया दिस यू नो एक थोड़ा सा पर्सनल टाइम था। और बाकी आई होप आप लोगों को भी ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी, हम लोगों ने जो जो एक्टिविटीज़ की, फ़न की, आप लोगों को भी अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे क्लिक करके बुकिंग करवा सकते हैं, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो आपको तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेलकम बैक टू मुंबई। बाय।